नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा टारगेट है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछा जाता है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अच्छे से आपको करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बोला था कि हम आपको HSSC और बैंकिंग के लिए, देखो जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो टॉपिक भाई HSSC में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बैंकिंग में उसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक जो रहेगा आज वो रहेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हो सकता है जिन लोगों ने 10th क्लास के बाद मैथ नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक का नाम ना भी सुना हो। इसको P&C बोल दिया जाता है, P&C बोल दिया जाता है भाई। हो सकता है जिन लोगों ने सिर्फ 10th क्लास तक मैथ पढ़ा है, 11th 12th में मैथ नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने शायद इस टॉपिक का नाम नहीं सुना हो। लेकिन जिन लोगों ने 12th क्लास में 11th क्लास में मैथ पढ़ा है, उन लोगों ने जरूर इस टॉपिक का नाम सुना होगा। अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। उस टॉपिक के जो बेसिक पॉइंट है वो यहां से जुड़ के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा मैथ्स का। अगली बात, हम जो क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो है, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। दोस्तों, टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बायलैंग्वेल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन भी PDF के रूप में मिल जाएंगे आपको, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मान लीजिए HSSC के हैं या बैंकिंग के हैं या रेलवे के हैं, जैसे NTPC का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उन सभी के आपको क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बेसिक से पॉइंट पहले बता देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि टॉपिक एक्चुअल में है क्या। तो परम्यूटेशन को बोलते हैं हिंदी में, इसका नाम होता है कर्मचय। हिंदी में इसका नाम होता है दोस्तों कर्मचय, और इसका नाम होता है संचय। इसका नाम क्या होता है? संचय। अब कर्मचय के नाम से ही पता लग रहा है कि किन्हीं को कर्म में अरेंज करना, कुछ लोगों को कर्म में अरेंज करना, और संचय के नाम से मतलब लग रहा है कि इकट्ठा करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो कर्मचय को आप बोल सकते हो अरेंज करना। अरेंज वर्ड तो सभी ने सुना होगा, क्या करना? चीजों को अरेंज करना। और संचय का मतलब होता है ग्रुप, आप एक ग्रुप में चीजों को लेके आओ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास चार लोग हैं, पांच कर लेते हैं, राम, विक्रम, अक्षय मोहित एंड कुलदीप, मान लीजिए पांच लोग आपके पास हैं। अब इसी में से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि इन पांच लोगों में से अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा और ग्रुप का मतलब क्या होगा। आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, जैसे मैं आपको दे दूं कि इनमें से तीन लोग आप ले लीजिए कि राम, अक्षय और मोहित, तीन लोग ले लीजिए, और उनका एक फोटोग्राफ आपको क्लिक करना है, एक फोटोग्राफ आपको क्लिक करना है। तो इसका नाम क्या था? अरेंज करना। हो सकता है कि आपके लेफ्ट में जो है राम बैठा है, बीच में अक्षय बैठा है और राइट में मोहित बैठा है। एक सिचुएशन तो यह बनती है। दूसरी सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है कि मोहित जो है आपका, जो राम यहां पर रह जाए और मोहित जो है वो आपका बीच में आ जाए और जो अक्षय है वो आपका राइट में चले जाए। आदमी वो तीन ही है, कैंडिडेट तीन ही है, बट क्या हुआ, हमने उनको अरेंज कर दिया कि पहले अक्षय बीच में बैठा था, अब अक्षय राइट में बैठा है। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि अक्षय को आगे ले आओ, राम को बीच में बैठा दो और मोहित को लास्ट में कर दो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मोहित को आगे ले आओ, अक्षय को बीच में बैठा दो, राम को पीछे कर दो। तो भाई ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी होती हैं अरेंजमेंट, कि आपने क्या किया, इन तीनों कैंडिडेट्स को अरेंज कर दिया। ठीक है, इसको तो अरेंजमेंट बोलेंगे। बट अगर मैं यहां से कर दूं, आपको बोल दूं कि हाउ मैनी ग्रुप ऑफ थ्री कैंडिडेट्स
कैन बी फॉर्म्ड। मान लो आपको मैंने ये बोल दिया कि यहां से तीन कैंडिडेट के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, तीन कैंडिडेट के कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको तीन कैंडिडेट लेने हैं, तो अगर आपने पहले राम को, अक्षय को और मोहित को ले लिया तो ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। आपने राम को, अक्षय को और मोहित को ले लिया, ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अब नया ग्रुप बनाने के लिए, आपको इनमें से कोई एक कैंडिडेट चेंज करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक कैंडिडेट आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने राम को चेंज कर दिया, विक्रम को ले लिया, अक्षय को ले लिया और मोहित को ले लिया, यानी कि नया ग्रुप बनाने के लिए हमें किसी एक कैंडिडेट को चेंज करके उसकी जगह दूसरा कैंडिडेट लेकर आना पड़ेगा। अब यहां पे हमने क्या कर दिया था कि एक फोटो में राम, अक्षय, मोहित थे, अगली फोटो में राम, मोहित और अक्षय आ गए। देखो सिचुएशन तो चेंज होगी ना, तो इसको बोलेंगे अरेंजमेंट करना और इसको बोलेंगे ग्रुप बनाना। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये मैंने बेसिक सा पार्ट आपको बता दिया है कि कर्मचय का परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को अरेंज करना। जैसे मेरे पास यहां पे तीन मार्कर है, मान लीजिए एक ब्लैक है, एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। अब मेरे हाथ में ऐसे रखे हुए, मैंने ब्लू को उठा के यहां पर रख दिया, फिर मैंने रेड को उठा के यहां पर रख लिया, तो बेटा ये क्या है, ये सिर्फ अरेंजमेंट है, मैंने चीजों को अरेंज किया है, कभी उसको आगे रख दिया, कभी उसको पीछे रख दिया, तो इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। और ग्रुप का मीनिंग क्या है कि तीन कैंडिडेट से एक ही ग्रुप बनेगा, उनको आगे पीछे रखने से ग्रुप नहीं चेंज होगा, ग्रुप चेंज करने के लिए आपको एक कैंडिडेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका बेसिक था। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि परम्यूटेशन का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए परम्यूटेशन की बात करेंगे पहले, क्योंकि आज हम पहले परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे, दोनों टॉपिक काफी लंबे चौड़े हैं, तो पहले परम्यूटेशन पे हम बात करेंगे बेटा। तो परम्यूटेशन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको परम्यूटेशन का। देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड विद और विदाउट मीन, यानी कि उनका मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मीनिंगफुल वाले वर्ड आते हैं वो रीजनिंग में टॉपिक में पूछा जाता है, रीजनिंग के टॉपिक में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, बट परम्यूटेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ तिहाड़, TIHAR, यानी कि तिहाड़ के सारे लेटर को यूज करके कितने वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन में मिलेंगे। चलो इसको हटा देते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं एक दफा। तो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो होता है, दो फॉर्मूले आपको यहां पे फॉलो करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है NPR। इस फॉर्मूले को लिखोगे आप n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो साइन मैंने यूज किया है बेटा, इसका नाम होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं कर्म गुणित। क्या बोलते हैं बेटा? कर्म गुणित बोलते हैं, कर्म से गुणा करना, कर्म से गुणा करना। बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपने कर्म से गुणा की, यानी कि 1 × 2 × 3 किया, आपने रेगुलर मल्टीप्लाई किया 1 × 2 × 3, तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है 3 फैक्टोरियल। तो जो ये फैक्टोरियल है इसका मीनिंग क्या है कि 3 के साथ फैक्टोरियल रखा हुआ है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपने 1 से 3 तक का मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर मैं बात करूं कि आपको भाई 4 फैक्टोरियल लिखना है, तो इसका मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हो कि आपको 4 से स्टार्ट करना है और मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक चले जाना है, मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक चले जाना है, ये आपका 4 फैक्टोरियल है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा आपका 6, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा आपका 24। अब बात कर लें, जैसे आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहां से आ जाएगा आपका 120, ये आपका 5 फैक्टोरियल होगा। अब आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आपका 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और आपका 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, इसका भी रीजन है, चाहो तो मैं आपको एक बार रीजन बता ही देता हूं। इस फॉर्मूले को हम बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है,
इस फॉर्मूले को बाद में कर लेते हैं, एक बार फैक्टोरियल कर लेते हैं हम। चलिए मैंने आपको अभी बता रहा हूँ एक बार कि आपको जीरो फैक्टोरियल वन के इक्वल क्यों आएगा। चलिए एक बात सुनिए मेरी ध्यान से, जैसे आपके पास फाइव फैक्टोरियल है तो फाइव फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन, ये लिख सकते हो। जरा मुझे अब ये बताओ क्या जो यहां से यहां तक का वैल्यू है हम इसको फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? फोर से वन तक का जो मल्टीप्लाई है उसको क्या लिख सकते हैं? फोर फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? फाइव फैक्टोरियल को लिख सकता हूं फाइव मल्टीप्लाई फोर फैक्टोरियल, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं, मैंने इसको मान लिया बेटा एन फैक्टोरियल, क्या मान लिया? एन फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख दिया? एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। बात तो यही हुई, एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, कि एन की वैल्यू फाइव है, एन की वैल्यू फाइव है, मल्टीप्लाई फाइव में से वन को माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को इस तरीके से देखो कि अगर मैं एन की वैल्यू वन रख दूं, एन की वैल्यू क्या रख दूं? वन रख दूं, तो देखो एन की वैल्यू मैंने रख दी वन, वन फैक्टोरियल किसके होगा? एन की वैल्यू वन मल्टीप्लाई वन में से वन माइनस करोगे, इसके साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो वन फैक्टोरियल तो आपका वन ही होता है, और वन मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वन में से वन माइनस करोगे जीरो फैक्टोरियल। तो यहां से आप देख सकते हो कि जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू भी क्या आएगा? वन आएगा। वैसे आपकी काम की चीज नहीं, आप ये ध्यान रख लीजिए कि जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है और वन फैक्टोरियल भी वन होता है, चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो मैंने यहां तक बता दिया आपको कि फैक्टोरियल एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, तो ये आपका फैक्टोरियल होता है। अब दो तीन बातें और सीख लीजिए आप, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूं कि 20 फैक्टोरियल है और डिवाइड में 18 फैक्टोरियल है, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि आप 20 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल, क्योंकि 18 के बाद तो वही कंटिन्यू सीरीज है, और डिवाइड में क्या आएगा? 18 फैक्टोरियल आएगा, तो 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर बचेगा 20 मल्टीप्लाई 19 बचेगा, यानी कि 380 वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 380 आ जाएगी। तो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जब फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपके पास 15 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल है, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए कि आपको करना होगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले 12 फैक्टोरियल के साथ नीचे वाला 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं फॉर्मूलों की, एक बार मैं फॉर्मूलों की बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम परम्यूटेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, पहला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? एन पी आर, और उसको मैंने क्या लिखा था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये है क्या, एन क्या है आर क्या है, तो बता देता हूँ। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपको दे दिया गया हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ थ्री लेटर्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ए बी ई जी एच आई जे। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। इसने क्या बोला है? हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड ऑफ थ्री लेटर्स, यानी कि आपको थ्री लेटर्स के वर्ड फॉर्म करने हैं। आपको बनाने कितने लेटर के हैं? थ्री लेटर के। जो जितने लेटर आपको यूज करने हैं दोस्तों वही आपका आर है, जितने लेटर आपको यूज करने हैं वही आपका आर है। अगली बात, जितने आपको टोटल लेटर दे रखे हैं यहां पे, जितने आपको टोटल लेटर दे रखे हैं वो आपका क्या है? एन है। तो इतनी सी बात आपको समझनी है कि एन क्या है? टोटल वैल्यू। आर क्या है? जो आपको यूज करनी है, यानी कि इनमें से कोई थ्री डिजिट आपको लेने हैं, कोई थ्री लेटर आपको लेने हैं। आपने ए बी ई ले लिया, आपने बी ई जी ले लिया, आपने जी एच आई ले लिया, वो आपकी मर्जी है। और विद और विदाउट मीनिंग का मतलब चाहे उनका मीनिंग बनता हो चाहे उनका मीनिंग ना बनता हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एन का मीनिंग क्या हुआ? जितने टोटल लेटर हैं।
आर का मीनिंग क्या हुआ, जितने लेटर आपको यूज करने हैं। अगर इसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा एन, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है तो आप लिखेंगे 7, पी आपको यूज कितने करने हैं 3 यूज करने हैं तो आप इसको लिखोगे 7P3, तो आपका आंसर क्या आएगा, करो कैलकुलेट फटाफट, मैंने अभी फॉर्मूला आपको बता दिया। तो आप क्या करोगे 7 फैक्टोरियल और डिवाइड 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि यहां का जो 4 फैक्टोरियल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 30, 30 मल्टीप्लाई 7 210 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 210। तो ये था कि आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज फॉर्मूला, एक बार इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला था NPR, ठीक है। HSSC में, बैंकिंग में ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है, कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पूछा गया है कि वैल्यू बताइए। जैसे आपको दे दिया जाए, आपका जो फॉर्मूला है मैं यहां पे लिख देता हूं, NPR का वैल्यू क्या था, N फैक्टोरियल डिवाइड N माइनस R फैक्टोरियल, ओके। अब क्वेश्चन ऐसे भी मिला है कई बार, कि आपको दे दिया गया 15P12, तो आपको वैल्यू बताना है, तो वैल्यू क्या आएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 15 फैक्टोरियल और डिवाइड में 15 में से 12 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 15 में से 12 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये भी आपको आंसर मिल सकता है, हो सकता है आपको आंसर ऐसे भी मिल जाए कि 15 मल्टीप्लाई ऐसे ही मिलेगा, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं आपसे पूछेगा, आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ओके। अब सेकंड फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि परम्यूटेशन में जो सेकंड फॉर्मूला यूज किया जाता है, भाई परम्यूटेशन में सेकंड फॉर्मूला यूज किया जाता है NPN, NPN, NPN का मीनिंग क्या है कि जितने डिजिट आपको दे रखे हो वो सारे के सारे डिजिट यूज करने हो। जैसे भी पिछला क्वेश्चन हमारा था उसमें आपको 7 लेटर्स दे रखे थे, 7 में से 3 यूज करने थे, लेकिन जब आपको पूछ लिया जाए कि आपके पास 7 लेटर है और 7 के 7 ही यूज करने हैं तो वो होता है NPN, और NPN का मीनिंग होता है N फैक्टोरियल। NPN का मीनिंग क्या होता है, N फैक्टोरियल। एग्जांपल के लिए सुन लीजिए, जैसे आपको दे दिया गया हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड By using all letter of army। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास ही बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको आर्मी के सारे लेटर यूज करने हैं, आर्मी के सारे लेटर यूज करने हैं और उनसे वर्ड फॉर्म करने हैं। तो जब सारे के सारे लेटर यूज करने हो तो दोस्तों आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि आपके पास जितने लेटर हैं आपको सारे के सारे यूज करने हैं। 4 लेटर हैं, 4 ही यूज करने हैं तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो परम्यूटेशन के दो ही फॉर्मूले हैं, NPR और NPN। यदि जितने लेटर दे रखे हैं उतने ही यूज करने हैं तो आप उसको लिखोगे N फैक्टोरियल, यदि लेटर ज्यादा दे रखे हैं यूज कम करने हैं तो आप लगाओगे NPR, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की, चलिए इसको मैं रेज कर देता हूं। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की। देखिए मैं जस्ट आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, अब इसके क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के अलग अलग डिफरेंट मेथड है, क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अब एक बार फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई ग्रुप बनाने के या कॉम्बिनेशन बनाने के फॉर्मूले जो होंगे, इसके दो ही फॉर्मूले होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला होगा भाई NCR। अब N तो आप समझ गए होंगे, N का मतलब टोटल वैल्यू, R का मतलब जितनी वैल्यू यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां पे सिर्फ एक चीज बड़ी है, क्या चीज बड़ी है आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि पहले वाले में ये भी था ये भी था, सिर्फ ये पॉइंट नहीं था, तो सिर्फ एक ये नया पॉइंट आया है आर फैक्टोरियल। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में क्या होगा, NCR एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको यूज करना है। क्वेश्चन कैसे मिलेगा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार,
हाउ मैनी ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय नहीं आएगा, यहाँ पर फ्रॉम आएगा, कैन बी फॉर्म फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स। ये क्वेश्चन है। देखिए यहां पे जो ग्रुप वर्ड किया गया है यूज, आपको यहां से पता लगेगा कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है या परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। या तो वो ग्रुप वर्ड यूज करेगा या वो वहां पे कमेटी वर्ड यूज करेगा कि कितनी कमेटी बनाई जा सकती हैं, कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ग्रुप यूज करेगा या कमेटी यूज करेगा तो इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है? कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जहां पे आपको ग्रुप या कमेटी वर्ड देखने को मिलेगा, तो वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको बता दूं फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। देखिए, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है, तीन स्टूडेंट का, तो ये आपका आर है। जितने स्टूडेंट आपको चाहिए ग्रुप में वो आपका आर है। आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है? पांच लड़के हैं, चार लड़कियां हैं। टोटल कितने हैं? तो टोटल नाइन है, जो किसका वैल्यू है? एन का वैल्यू है। तो भाई यहां पे एन का वैल्यू है नाइन और आर का वैल्यू है थ्री, यानी कि टोटल स्टूडेंट आपके पास नाइन है। उन नाइन स्टूडेंट में से आपको थ्री स्टूडेंट चुनने हैं। अभी तो डायरेक्ट थ्री स्टूडेंट बोल दिया, वो तीनों की तीनों लड़कियां भी हो सकती हैं, तीनों के तीनों लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़के या एक लड़की हो सकती है। ठीक है, एक लड़का या दो लड़कियां भी हो सकती हैं, यहां पे कोई कंडीशन नहीं है। बट जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पे सारी कंडीशन आ जाएंगी, जब वो लगा देगा कंडीशन कि दो लड़के और एक लड़की होनी चाहिए या एक लड़का दो लड़कियां होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन वो लगा देगा, वो हम डिटेल में इसके साथ पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? तो फॉर्मूला बनेगा भाई आपका 9C3, क्योंकि टोटल कैंडिडेट आपके 9 है, यूज आपको 3 करने हैं। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 9 फैक्टोरियल, जैसा मैंने आपको बताया था, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, और एन में से आर को माइनस कर देंगे तो 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिख लीजिए 9 × 8 × 7। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आगे क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि इसके 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 फैक्टोरियल को लिख लीजिए, 3 को लिखेंगे 3 × 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 8 को 4 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 9 को 3 आ जाएगा, तो 3 × 4 = 12, 12 × 7 = 84। तो आपका जो आंसर है बेटा वो क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका आंसर 84 आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला और है, सेकंड फॉर्मूला, वो क्या है? NCN। ये आपको समझ में आ गया होगा, जितने कैंडिडेट हैं वो सारे ही यूज करने हैं। अरे भाई, जितने कैंडिडेट हैं अगर सारे ही यूज कर लिए तो ग्रुप तो एक ही बनेगा, तो इसीलिए NCN जो है आपका वो क्या होता है? एक होता है। जितने कैंडिडेट आपके पास टोटल हैं अगर वो आपने सारे के सारे यूज कर लिए तो आपका जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल ग्रुप जो बनेंगे, वो सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में उतार लीजिए। दो फॉर्मूले हमने परम्यूटेशन के किए हैं और दो फॉर्मूले ही कॉम्बिनेशन के किए हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, अभी जस्ट क्वेश्चन करेंगे। परम्यूटेशन में कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपके आते हैं वर्ड के ऊपर क्वेश्चन, एक आपके आते हैं नंबर के ऊपर क्वेश्चन, जब आपको नंबर फॉर्म करने होते हैं। ठीक है, एक आपके आपके पास आते हैं सिटिंग के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको लोग बैठाने हैं, सर्कल में बैठाने हैं, स्क्वायर में बैठाने हैं, एक लाइन में बैठाने हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम इस सेशन में वर्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वर्ड कैसे फॉर्म होंगे, नेक्स्ट सेशन में नंबर करेंगे, उसके बाद सिटिंग की बात करेंगे। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं वर्ड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो परम्यूटेशन के ऊपर प्रीवियस ईयर में भी आए हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने उठा रखे हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, हम पहले परम्यूटेशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और परम्यूटेशन में भी कौन से क्वेश्चन? वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, कि जो वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि तिहाड़ वर्ड आपको दे रखा है, तिहाड़,
TIHAR, फर्स्ट क्वेश्चन आपका TIHAR, ये वर्ड आपको दे रखा है। इसने बोला है कि इसके सारे के सारे लेटर आपको यूज करने हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सारे के सारे लेटर यूज करने हो तो फॉर्मूला भूल जाओ, जितने लेटर हैं उतने का फैक्टोरियल हो जाएगा, जितने लेटर हैं उतने का ही फैक्टोरियल हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, HSSC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिहाड़ में आपके पास कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल को 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जो आपका कितना होता है 120 होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 120, मात्र 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। अरे 5 फैक्टोरियल तो याद ही कर लीजिए, 120 होता है, 4 फैक्टोरियल 24, 6 फैक्टोरियल 720, और 7 फैक्टोरियल 5040। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ फादर। सेम क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। फादर, FATHER, फादर आपको दिया गया है। देखिए दोस्तों फादर में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर है, सारे के सारे लेटर यूज करने हैं। तो आपको क्या करना है, सभी के दिमाग में आ चुका होगा, 6 फैक्टोरियल करना है, और 6 फैक्टोरियल वही 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है, मुझे याद है कि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 720 होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस के ऊपर बात है भाई। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन ऐसा ही है भाई, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ अकेडमी। यहाँ पे आपको अकेडमी दिया गया है, ACADEMY, अकेडमी। आपको अकेडमी का यूज करके, अकेडमी के सारे लेटर यूज करने हैं, और आपको बताना है कितने वर्ड बनेंगे। अब यहाँ पे वर्ड तो 7 है, लेटर तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं, 7 लेटर। अब मैंने इन पहले वालों को इरेज क्यों नहीं किया था, आपको एक बात बताने के लिए इनको इरेज नहीं किया था। बच्चों देखो यहां पे हर एक लेटर जो है डिफरेंट है, हर एक लेटर अलग अलग है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है। यहां पे भी ऐसा ही था, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ था, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया था। लेकिन अगर कोई लेटर रिपीट हो जाए, जैसे यहां पर लेटर आपका कौन हुआ, ए रिपीट हो गया, ए लेटर रिपीट हो गया, तो इसका आंसर 7 फैक्टोरियल नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जितने लेटर रिपीट हुए हैं, ए यहां पे 2 बार रिपीट हुआ है, तो बेटा आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से। अगर वो 3 बार रिपीट हुआ होता तो आप उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते, अगर वो 4 बार रिपीट हुआ होता तो 4 फैक्टोरियल से कर देते, ठीक है। यहां पे ए 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो भाई आपका जो 7 फैक्टोरियल होता है वो होता है 5040, और आपका जो 2 फैक्टोरियल होता है वो होता है 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2520, ये आपका आंसर है बेटा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर कोई लेटर रिपीट नहीं हुआ है तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई लेटर रिपीट हुआ है, जैसे यहां पे ए रिपीट हुआ है, तो वो जितनी बार रिपीट होगा उतने से ही हम डिवाइड कर देंगे, उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छे से नोट कर ली इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ूंगा भाई, अब एक्स्ट्रा बातें तो मुझे करनी आती नहीं, मुझे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराने आते हैं, ठीक है, और मैं यही चाहता हूं, मेरी मनोकामना यही है कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक्स्ट्रा बातें मेरे को करनी नहीं आती मेरे भाई। तो देखिए नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ क्लास। देखिए यहां पे दे दीजिए आपको क्लास, CLASS, अब सभी को दिख रहा है क्लास में लेटर कितने हैं, 5 लेटर है, तो आप करेंगे 5 फैक्टोरियल, लेकिन जो एस है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसको क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब आपका जो 5 फैक्टोरियल होता है वो होता है 120, और जो 2 फैक्टोरियल होता है वो होता है 2, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, वेरी इजी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, चलिए 5 क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं भाई। 5th क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ कमेटी। देखिए कमेटी वर्ड दिया आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, COMM
आई डबल टी डबल ई, ये आपका कमेटी वर्ड है, सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई कमेटी। सभी लोग सोच लीजिए आराम से, मैं 30 सेकंड का वेट करता हूं, सभी लोग आराम से सोच लीजिए क्या आंसर आएगा इसका। ये टोटल लेटर है 11, 9 है भाई, 9 है, 9 टोटल लेटर है, 9, तो 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। डिवाइड में आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लीजिए, m दो बार रिपीट हुआ है तो भाई इसके लिए 2 फैक्टोरियल, t दो बार रिपीट हुआ है तो इसके लिए अलग से 2 फैक्टोरियल। ऐसा ना करोगे कि दो बार ये है दो बार ये, 4 फैक्टोरियल कर दिया, नहीं, m रिपीट हुआ m के लिए 2 फैक्टोरियल, t रिपीट हुआ t के लिए 2 फैक्टोरियल, e रिपीट हुआ तो e के लिए भी 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिख लीजिए भाई, इसको आप लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल को 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 जगह लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि एक 2 फैक्टोरियल मैंने यहां पे कैंसिल कर दिया। अब 2 फैक्टोरियल का मीनिंग 2, 2 फैक्टोरियल का मीनिंग भी 2, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, बाकी का मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15, 15 6 जा कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90, 97 जा 630 मल्टीप्लाई 98 जा 72, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा आप, देखिए यहाँ पे ऑप्शन लास्ट में तो जीरो ही आएगी बेटा, लास्ट में तो जीरो ही आएगी, और यूनिट डिजिट देख लीजिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा, लास्ट में 6 डिजिट सिर्फ एक ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 45360। तो ऐसे आपको टाइम भी बचाना है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहां तक तो हमने कर लिया था मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आया। अब जीरो लास्ट में है तो जीरो ही रहेगी, 2 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो लास्ट में 6 आएगा, यानी कि जिसके लास्ट में 60 है वही आंसर है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसके लास्ट में 60 है, तो 45360 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये गलती मत कर देना कि यहां पे 2 4 6 6 बार रिपीट हुए हैं तो 6 फैक्टोरियल कर दोगे, नहीं, जो डिजिट 2 बार रिपीट हुआ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, अगला भी 2 बार रिपीट हुआ है उसके लिए 2 फैक्टोरियल, सबके लिए अलग अलग फैक्टोरियल यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ऑल लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। भाई मैथमेटिक्स के सारे सारे लेटर यूज करने हैं तो बताओ, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं आपको, ऑप्शन में भी ऐसा ही दिया गया है, 11 फैक्टोरियल बाय 4, 11 फैक्टोरियल बाय 8, 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। तो भाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल लेटर है 11, तो आप लिखोगे 11 फैक्टोरियल, पहली बात तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका m है वो रिपीट हुआ 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो आपका t है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो भाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, जो आपका a है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो आपका भाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये 11 फैक्टोरियल है, इसको सोल्व ही नहीं किया क्वेश्चन में, 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, ये 2 फैक्टोरियल भी 2 होगा और ये 2 फैक्टोरियल भी 2 होगा, तो ये टोटल आ जाएगा 8, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, 11 फैक्टोरियल बाय 8, यानी कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर है 11 फैक्टोरियल बाय 8। तो एग्जाम में एग्जैक्ट आपको ऐसा ही आंसर मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड पॉइंट, पी ओ आई एन टी, पॉइंट वर्ड ले रखा है, पी ओ आई एन टी पॉइंट, बी अरेंज सच दैट द ऑल वोवल कम्स टूगेदर, यानी कि पॉइंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर एक साथ आए, ये कंडीशन लगा दी। अभी तक तो आपको सिर्फ वर्ड बनाने थे, कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। अब कंडीशन लगा दी कि वोवल एक साथ आए, कंडीशन लगा देगा वोवल एक साथ ना आए, कंडीशन लगा देगा कॉन्सोनेंट एक साथ आए, कंडीशन लगा देगा कॉन्सोनेंट एक साथ ना आए, तो वो कुछ भी कंडीशन लगा देगा, जो वो कंडीशन लगाएगा वो हम फॉलो करेंगे। अब इसने क्या बोला कि वोवल एक साथ आए, तो फोकस करो वोवल कौन है, यहाँ पे
वोवल है ओ और वोवल है आई। तो इसने जैसा बोला है वैसा ही करो, वोवल को एक साथ रख दो। मैंने एक साथ रख दिया ओ आई रख दिया भाई, वोवल को मैंने एक साथ रख दिया, तो उसको मैं एक डब्बे में बंद कर देता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये कंडीशन लगा दी इसके ऊपर कि ये दोनों एक साथ रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है, एक साथ कर दिए। अब बचा कौन आपके पास, एक बचा पी, एक बचा एन और एक बचा टी। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मुझे, अभी हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इन दोनों को आपको एक लेटर काउंट करना है, क्योंकि ये जहां पे भी जाएंगे वहां पे इकट्ठे जाएंगे। तो आप जो बॉक्स के अंदर आपने बंद कर दिया है, तो बॉक्स के अंदर वाली वैल्यू को आप एक ही डिजिट मानेंगे। तो भाई आपका आ जाएगा 1, 2, 3, 4, तो आप यहां पे लिखोगे 4 फैक्टोरियल। सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्या लिखोगे, 4 फैक्टोरियल लिखोगे। अब ये 4 फैक्टोरियल तो इनके लिए आ गया कि 1, 2, 3, 4 या आगे पीछे रोटेट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अरे आगे पीछे रोटेट करेंगे, ये तो बात समझ में आ रही है। देखो जैसे मैं आपको बोलता कार, CAR, मैंने आपको भी बताया कार को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, आपने बता दिया 3 फैक्टोरियल। अब किसी को अगर ये संशय हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, इसका आंसर 6 कैसे आया, तो भाई इसका आंसर 6 ऐसे आया कि आपको इनको आगे पीछे करके अरेंज करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अरेंज करना। जैसे आपने CRA लिख दिया, इन दोनों को आगे पीछे कर दिया, आपने ACR लिख दिया, ARC लिख दिया, आपने RAC लिख दिया, RCA लिख दिया, तो ऐसे आपको अरेंज करना है। और इसी तरह ही 6 लेटर बनेंगे, 6 अलग अलग वर्ड बनेंगे, इसी को तो बोलते हैं अरेंज करना। अब ऐसे लिखने की बजाय हम डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं कि 3 फैक्टोरियल आंसर आएगा। तो इसी तरह जब हम इन्हें अरेंज करेंगे भाई, तो आप 4 फैक्टोरियल यूज करोगे। इसके साथ साथ अब एक बात सोच के देखो, जो ये बॉक्स के अंदर है ओ आई, ये भी तो चेंज कर सकता है, बॉक्स के अंदर ही आई ओ लिख सकता है, बॉक्स के अंदर ही चेंज कर लेगा। तो जितने लेटर बॉक्स के अंदर हैं आपको उन पे फोकस करना है, 2 लेटर हैं, तो इसलिए यहां पे साथ में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल तो इन सभी के लिए आया है, और ये 2 फैक्टोरियल सिर्फ इसके लिए आया है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। सो 48 इज द आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 48 है। ओके दोस्तों, चिंता मत करिए, कई क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। ये है आपके, यहाँ पे आपका ये आंसर जो आया है ये है आपका वोवल कम्स टुगेदर, यानी कि आपके जो वोवल हैं वो एक साथ आएंगे तो कितने वर्ड बनेंगे, 48 वर्ड बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक बात और बता देता हूं आपको मैं, अगर कंडीशन होती वोवल्स कांट कम टुगेदर, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, वैसे आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, वोवल्स कांट कम टुगेदर, एक साथ ना आए, तो भाई एक साथ ना आए, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, यानी कि वो वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी जिसमें एक साथ आएंगे, क्योंकि इसमें नोट का आंसर देने के लिए आपको यस का तो पहले आंसर देना पड़ेगा, पहले आपको ये निकालना तो पड़ेगा। अगर आपके पास ये क्वेश्चन भी होता तो ये वैल्यू आपको पहले निकालनी ही पड़ती, तो ये निकाल लेंगे 48। और अब क्या करेंगे, जो टोटल बनेंगे टोटल में से आप इस 48 को माइनस कर देंगे। अब टोटल कितने बनेंगे आप सोच रहे होंगे, अरे टोटल अभी बताया तो था कि पॉइंट वर्ड के लेटर यूज करके कितने टोटल बनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल। ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, टोटल कितने बनेंगे 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 120 में से 48 माइनस करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 72 आ जाएगी। ये 72 आंसर क्या आया, ये आया वोवल कांट कम टुगेदर का। चलिए डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है फटाफट एक बार आप जबरदस्त। इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड आर्ट लाइन बी अरेंज सच दैट ऑल वोवल कम टुगेदर। ट्राई कर लीजिए, आर्ट लाइन वर्ड आपके पास है कि कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें वोवल एक साथ आएंगे, जल्दी से करिए। कर लीजिए ट्राई सभी लोग, मैं बता रहा हूं आपको, आर्ट लाइन वर्ड आपको दिया है ARTLINE, आर्ट लाइन वर्ड है, इसमें कंडीशन वही है कि कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जिसमें वोवल जो है वो एक साथ आएंगे।
ठीक है, जल्दी से ट्राई कर लीजिए आप लोग, दो मिनट हैं आपके पास, आराम से कर लीजिए, ठीक है, जल्दी करो भाई, जल्दी, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, वोवल को आइडेंटिटी करोगे, कौन से वोवल हैं, आई बी है, ए बी है और ई बी है, तीन वोवल यहाँ पे आए हैं, तीनों को एक बॉक्स में रख लोगे, ए आई और ई, तीनों को एक बॉक्स में बंद कर लोगे, बाकी कौन बचे, आर बचा, टी बचा, एल बचा और एन बचा, ये बाकी के कॉन्सोनेंट है जो बच गए हैं उनको बाहर लिख लोगे। अब मैंने आपको बताया था इनको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, तो पहले लिखोगे आप 5 factorial, पूरे बॉक्स को एक ही काउंट करना है याद रखना, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अरे भाई ये तीन वोवल है तो ये तो एक दूसरे के साथ स्थान बदलेंगे, ये तो एक दूसरे के साथ स्थान बदलेंगे ही, तो 3 factorial के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आपका 5 factorial होता है 120 और 3 factorial होता है 6, तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। कमेंट करिए सभी वीडियो के नीचे किस किस ने राइट आंसर कमेंट किया है, कमेंट मी राइट, जिसने राइट आंसर निकाला था राइट कमेंट करेंगे मुझे कमेंट में, मैं चेक कर लूंगा किस किस ने कमेंट किया है अच्छे से, ठीक है। जब आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपने कौन से क्वेश्चन को सोल्व किया है और आपका आंसर 720 आया है तो आप लोग राइट कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, एक बार सोचिए इसको कैसे करेंगे फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सोच लीजिए इसको, वैसा ही क्वेश्चन है सेम, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड गूगल बी अरेंज दैट द ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर। देखिए इसमें वही कंडीशन आपको यूज की है कि आपके जो सारे के सारे वोवल है वो क्या होने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपके पास यहाँ पे देखा है गूगल, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि गूगल आपके पास है, जी ओ ओ जी एल ई, तो इसने कंडीशन लगाई क्या है कि आपके जो वावल है वो एक साथ आने चाहिए, तो वावल देख लीजिए यहाँ पे कौन है, वावल आपका ओ है और ई है, तो आप कर लोगे ओ ओ ई, इनको एक बॉक्स में बंद कर लोगे, तो आपके पास क्या बचेगा, जी जी एल बचेगा। तो अब कैसे काउंट करोगे, काउंट करोगे 1 2 3 और इसको करोगे 4, टोटल लेटर आपके यहां पर 4 होंगे, तो आप लिखोगे 4 factorial। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो जी है आपका वो 2 times आया है, तो इसके लिए आपको 2 factorial डिवाइड में करना है, ये रूल आपको फॉलो ही करना है, इस रूल को भूल मत जाना, ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अंदर 3 vowel है, 3 vowel रिपीट होंगे तो 3 factorial, डिवाइड यहां पे भी ओ जो है वो 2 times आया है तो इसलिए 2 factorial, तो बेटा ये होगा आपका 24 डिवाइड में आ जाएगा 2, ये आपका होगा 6 डिवाइड में आ जाएगा 2, तो आप इसको कट कर लीजिए, 2 2 जा होता है 4 और 4 से 24 को डिवाइड करोगे 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आपका आंसर आ जाएगा 36, ओके क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या है, देखिए In how many way can the letter of word welcome be arranged such that all the consonants come together? अब की बार कंडीशन लगा देगी, consonant एक साथ आने चाहिए, consonant एक साथ आने चाहिए, तो करना आपको कुछ नहीं है, वही है, welcome है, welcome, question का भी welcome करते हैं हम, welcome है यहाँ पे, ठीक है, consonant एक साथ रहने चाहिए, यानी कि w, l, m और एक c, ये एक साथ रहने चाहिए, w, l, c और m, ये एक साथ रहने चाहिए, कंडीशन लगाई है, तो बाकी बचा आपके पास E, एक आपके पास बचा O और एक आपके पास बचा E, तो अब अपॉइंट काउंट कैसे करोगे, 1 2 3 एंड 4, आप लिखोगे 4 factorial, डिवाइड क्योंकि E 2 बार आया है 2 factorial और मल्टीप्लाई आप 1 2 3 4 4 factorial से करोगे, तो भाई आ जाएगा आपका 24 डिवाइड में आ जाएगा 2 और ये भी आपका आ जाएगा 24, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए आ जाएगा 12 का मल्टीप्लाई 24 में करोगे तो भाई आ जाएगा आपका 268, तो 268 इज द आंसर, 288, तो आपका जो आंसर है क्लास वो आ जाएगा 288। तो चाहे वो बोले वोवल एक साथ कितनी बार आएंगे, चाहे वो बोले कॉन्सोनेंट एक साथ कितनी बार आएंगे, ठीक है, तो आप ऐसे आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड हरिदीप, यहां पे देखा आपको हरिदीप, एक वर्ड आपको दिया हरिदीप, एच ए आर आई डी ई पी, हरिदीप, वैसे मेरा नाम हरदीप है, ठीक है, ये हरिदीप दिया गया है, हरिदीप, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, सोचना मत इस बात को, बी अरेंज सच दैट ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, इनके वोवल भी एक साथ रहे, कॉन्सोनेंट्स भी एक साथ रहे, दोनों कंडीशन आपको लगा, चलिए वोवल को एक साथ कर लेते हैं, ए आई और ई, ये आपके वोवल है ए आई और ई, इसने ये कंडीशन लगाई है, ये भी एक साथ रहे और एच आर डी पी ये भी एक साथ रहे, एच आर डी पी भी एक साथ रहे और ए आई ई भी एक साथ रहे, ये कंडीशन लगाई है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले आप सोल्व करेंगे, एक लेटर आपके पास ये है, एक लेटर आपके पास ये है, आप करेंगे टू फैक्टोरियल, उसके बाद मल्टीप्लाई, वन टू थ्री, थ्री लेटर आपके पास यहां पे है, थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, वन टू थ्री फोर, फोर फैक्टोरियल आपके पास यहां पे, तो यहां पे फोर फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में टू वर्ड आपके पास बनेंगे, ये आपका टू फैक्टोरियल, ये थ्री वर्ड है थ्री फैक्टोरियल, ये फोर लेटर्स है फोर फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका टू होता है, ये आपका सिक्स होता है, ये आपका 24 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, 288, सो 288 इज द आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जल्दी से नोट करिए, ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है, रीड आउट कर लीजिए, क्या है, क्या दिया गया, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड ग्रुप्स बी अरेंज सच दैट ऑल द वावल्स कांट कम टुगेदर, बेटा क्वेश्चन ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका, ग्रुप्स, ग्रुप्स आपको दिया गया है, कंडीशन क्या लगाई गई है कि वावल एक साथ ना आए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये क्वेश्चन पूछा गया है एक साथ ना आए तो आपको टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसमें से माइनस करनी पड़ेगी वोवल कम टुगेदर, ये वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका कि वोवल कम टुगेदर की वैल्यू कैसे निकलेगी और टोटल की वैल्यू कैसे निकलेगी, फटाफट से सोचो टोटल की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले टोटल की बात कर लेते, तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स आपके पास लेटर्स है तो सिक्स फैक्टोरियल करेंगे, तो सिक्स माइनस क्या करेंगे कम्स टुगेदर, अब कम्स टुगेदर को सोचो फटाफट, कम्स टुगेदर में कंडीशन क्या लगेगी कि वावल यहां पे कौन है, ओ है और यू है, इनको एक साथ करो ओ यू, ब्रैकेट में बंद कर दोगे, फिर आपके पास बचेगा जी, आपके पास बचेगा आर, आपके पास बचेगा पी, आपके पास बचेगा एस, तो आप इसको कितना लिखोगे, 1 2 3 4 5, आप लिखोगे 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अंदर दो डिजिट है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये आपका प्रोसेस होगा, यहां से आपका आंसर आएगा, तो 6 फैक्टोरियल जो है वो कितना होता है 720 होता है, माइनस 5 फैक्टोरियल होता है 120, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो 120 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 240, 720 में से 240 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 480, सर आंसर इज 480, भाई अगर आपको निकालना है कि कितने वर्ड ऐसे आएंगे जिसमें वोवल एक साथ नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू में से वो वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जिसमें वोवल एक साथ आएंगे, ठीक है, ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया, करिए रीड आउट फटाफट, कोशिश करिए करने की, 30 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूं मैं, चलिए दोस्तों ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी वही कंडीशन है, आपको बताना है वावल कांट कम टुगेदर, तो राउंडेड है आर ओ यू एन डी ई डी, राउंडेड आपको दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको ये बताया था कि पहले आप टोटल केस निकालेंगे, पहले आप क्या निकालेंगे टोटल केस निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे वोवल कम टुगेदर, वो आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टोटल केस बताओ फटाफट, टोटल केस बनेंगे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल डिवाइड, अरे डी दो बार आया है 2 फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना है,
सेवन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल माइनस, अब वो वाले एक साथ आएंगे, अरे वो वाले एक साथ आएंगे तो कंडीशन बता लो, वो वाले है ओ यू और ई, तो ओ यू और ई तो ये तो एक बॉक्स में आ जाएंगे, उसके बाद बचेगा क्या, आर बचेगा, एन बचेगा और डबल डी बचेगा। तो आप कैसे काउंट करोगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, तो आप लिखोगे फाइव फैक्टोरियल, और उसके डिवाइड में आपको क्या करना पड़ेगा, डी दो बार आया है टू फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, वन टू थ्री थ्री फैक्टोरियल से, ये आपका रिजल्ट बनेगा। फटाफट से सिंप्लीफाई करिए, तो ये सेवन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल करोगे तो आपका वैल्यू यहां पे क्या आएगा, आपका वैल्यू आएगा 2520 आएगा, इसका वैल्यू तो निकाल लेना आप। माइनस यहां पे करोगे 120 बाई टू करोगे 60 आ जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 6 करोगे 360 आ जाएगा, तो यहां से 360 आपको माइनस करना है, तो 2520 में से 360 माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर है 2160, यही आपका आंसर है। ये वो कंडीशन होगी जहां पे वावल एक साथ नहीं आएंगे, आपको करना क्या था, टोटल वैल्यू निकालनी थी, उसमें से माइनस करनी थी जिसमें वावल एक साथ आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, क्या दिया गया, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड मशीन बी अरेंज्ड सच दैट वोवल्स कम एट ओड पोजीशन, सॉरी इवन पोजीशन, जो आपके वोवल्स है वो इवन पोजीशन पे आने चाहिए भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट मेथड वही है। देखिए मशीन, एम ए सी एच आई एन ई, मशीन, इसने बोला कि जो वोवल है, वोवल आपके हैं ए आई और ई, वो कहां आने चाहिए, वो इवन पोजीशन पे आने चाहिए। इवन पोजीशन मतलब पहली पोजीशन होती है, ये दूसरी होती है, ये तीसरी होती है, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, क्योंकि टोटल लेटर आपके पास सेवन है, टोटल लेटर कितने हैं, सेवन है, तो सेवन पोजीशन होगी। अब इसने कंडीशन लगाया कि जो आपका वावल है वो आपका इवन पोजीशन पे आना चाहिए, मतलब कि ए आ जाए टू पे, आई आ जाए फोर पे और ई आ जाए सिक्स पे। ठीक है, ये आपका किस पे आना चाहिए, इवन पोजीशन पे आना चाहिए, हमने रख दिया, अभी इवन पोजीशन पे तो आ जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों इवन पोजीशन पे आ जाएंगे लेकिन एक दूसरे से स्थान तो चेंज करेंगे, हो सकता है आई यहां पे आ जाए, हो सकता है ई यहां पे आ जाए, हो सकता है ए यहां पे चला जाए, तो ये तीनों एक दूसरे से स्थान रिप्लेस करेंगे, तो आप करोगे यहां पे थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि तीन लेटर आपके पास है, एक दूसरे से जगह बदलेंगे तो तीन फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जो बाकी बचे उनकी बात कर लेते हैं, मान लो यहां पे आपने एम रख दिया, यहां पे आपने सी रख दिया, यहां पे आपने एच रख दिया और यहां पे आपने एन रख दिया, तो अब ये चार लेटर भी तो जगह पलटेंगे, ये चार लेटर भी एक दूसरे से जगह पलटेंगे, सी यहां पे आ जाएगी, एम यहां पे आ जाएगा, ऐसे करके अब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितने से, फोर फैक्टोरियल से। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इजी, ये आपका सिक्स आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो 144 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इसमें कंडीशन क्या थी कि वो वोवल जो है इवन प्लेस पे आने चाहिए, इवन पोजीशन पे आने चाहिए, हो सकता है ओड भी बोल देता तो हम ओड वाला करते। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्या दिया गया है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ वर्ड जैकेट्स, जैकेट्स आपके पास है, बी अरेंज सच दैट वोवल्स कम्स एट ओड पोजीशन। अब इसने लगा दिया कि वोवल ओड पोजीशन पे है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, अगर आपसे हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। ओके क्लास, आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है, किसी स्टेप पे कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक है, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी चलेगा, उसके बाद हम एचएसएससी में पूछे गए पिछले सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया है, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अपने और दोस्त भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।